Today we are going to discuss VAT. VAT means value added tax. VAT is called as value added tax. ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया VAT का. VAT में दो चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी. सबसे पहले एक होता है इनपुट टैक्स एंड दूसरा होता है आउटपुट टैक्स. इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स को बात करते हैं, समझते हैं. इनपुट टैक्स वो होता है जो टैक्स कोई कंज्यूमर जब कोई सामान खरीदता है तो टैक्स जो पेड करता है, टैक्स पे करता है, उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स. कोई कंज्यूमर, कोई कस्टमर, कोई बायर जब भी कोई चीज़ खरीदता है, कोई आर्टिकल, कोई सामान खरीदता है, खरीदते समय जो उसे वैल्यू के अलावा टैक्स पे करना होता है सेलर को, उसे हम कहते हैं टैक्स पेड या इनपुट टैक्स. वही कंज्यूमर, वही बायर अगर दोबारा उसको रीसेल करता है किसी थर्ड पार्टी को, तो जो उससे टैक्स वो चार्ज करता है, टैक्स वसूलता है, उसे कहते हैं हम आउटपुट टैक्स. दैट मीन्स टैक्स पेड इज़ कॉल्ड एज इनपुट टैक्स, टैक्स चार्ज इज़ कॉल्ड एज आउटपुट टैक्स. ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई वैट के बारे में. वैट का फॉर्मूला होता है वैट इज इक्वल टू होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. वैट का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है वैट निकालने का, वैल्यू एडेड इनटू आर अपॉन 100. यहाँ पे वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ, जितने में एक सामान खरीदा गया उसमें कितना वैल्यू जोड़ करके बेचा गया. ठीक, मतलब कॉस्ट प्राइस में कितना उसने प्रॉफिट जोड़ करके सेल किया है. ठीक है, दैट मीन्स वैल्यू एडेड का मतलब सिंपली समझ सकते हैं. वैल्यू एडेड का दूसरा मतलब है, इसको निकालने का तरीका है सिंपली SP माइनस CP. जितने में बेचा है और जितने में खरीदा था उसका जो डिफरेंस हुआ उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड, यानी इतना वैल्यू में एडिशन हुआ. R इज़ कॉल्ड एज रेट ऑफ वैट. जिस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ वैट नहीं दिया होगा उसमें हम इसको प्रिज्यूम करेंगे रेट ऑफ सेल्स टैक्स. ये तो दो बातें हो गई हमारी वैट के बारे में बेसिक. वैट बेसिकली है क्या, वैट में वैट आया क्यों. वैट पहले सेल्स टैक्स होता था, तो सेल्स टैक्स में देखा गया बहुत सारे टैक्स इवेजन होने लगे, तो गवर्नमेंट ने टैक्स इवेजन को रोकने के लिए और कंज्यूमर पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना आए, दोनों को साथ में देखते हुए उसने वैट के सेल्स टैक्स के कलेक्शन प्रोसेस में एक मॉडिफिकेशन किया जिसको हम वैट कहते हैं. वैट इज़ नथिंग एल्स, वैट इज़ जस्ट अ मॉडिफिकेशन इन द प्रोसेस ऑफ द कलेक्शन ऑफ द सेल्स टैक्स. कम टू द पॉइंट, सबसे पहले जब भी कोई आर्टिकल बनता है, कोई आर्टिकल है से आर्टिकल ए, राइट, एंड द रेट ऑफ द टैक्स, रेट ऑफ द वैट इज इक्वल टू 10% से फॉर से. अब आता है, सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर. किसी ने, कोई कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरर, उसने कोई आर्टिकल ए प्रोड्यूस किया, बनाया, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस लगा होगा, उससे हमारा मतलब नहीं है. उसने सेल कितने में किया, अब सपोज दैट उसने कंज्यूमर से 100 रुपये में सेल किया किसी डीलर वन को. मैन्युफैक्चरर ने बनाया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जब सामान बनता है, आर्टिकल बनते हैं तो बल्क में बनते हैं और डीलर को सीधे सप्लाई होते हैं, तो डीलर ने उनसे जिस प्राइस पे लिया वो मैन्युफैक्चरर के लिए हो गया सेल प्राइस, डीलर के लिए हो गया वही चीज़ कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर वन इज़ कॉल्ड एज ₹100, राइट. डीलर टू जब दूसरे डीलर वन डीलर टू को सेल करेगा, मैन्युफैक्चरर ने सेल किया डीलर वन को, डीलर वन ने सेल किया डीलर टू को जब उसने सेल किया तो उसने सेल किया था फॉर से ₹150 में, 100 में खरीदा है, 150 में बेचा है, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया हमारे लिए 150. फिर ये किसी होलसेलर को अगर बेचता है, अज्यूम कर लेते हैं कोई वैल्यू सेलिंग प्राइस, सपोज दैट 250 में बेचा इसने होलसेलर को. तो अब वैट क्या है, वैट हर स्टेप पे, पूरी चेन पे जहाँ से प्रोडक्ट बनते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर से लेकर के होलसेलर, डीलर से होते हुए होलसेलर एंड द रिटेलर, देन कंज्यूमर और कस्टमर, इस पूरी चेन तक, यानी कस्टमर मैन्युफैक्चरर से लेकर के कंज्यूमर तक जो भी सामान बिकता है,
उस पूरे प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी मीडियोकर्स इन्वॉल्व हैं, लाइक मैन्युफैक्चरर हो गया, डीलर वन हो गया, डीलर टू हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, कंज्यूमर हो गया, पूरे पूरे पे उसने टैक्स लगा रखा है, कैसे देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें फॉर द मैन्युफैक्चरर, ये एक स्पेशल केस है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर के लिए जो वैट होता है SP पर, जितने में उसने सेल किया उसका R%, पूरा होल, दैट मीन्स 100 का 10%, दैट मीन्स ₹10। वैट लाइबिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरर इज ₹10, बट फॉर डीलर वन निकालने, इसके लिए डीलर वन के लिए टैक्स लाइबिलिटी अंडर वैट निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहले देखते हैं इसने इनपुट टैक्स कितना दिया। इनपुट टैक्स जब इसने खरीदा होगा तो 100 रुपीज़ तो वैल्यू है, इस पर उसने टैक्स दिया होगा, तो इनपुट टैक्स हो गया हमारा 100 का 10%, दैट मीन्स ₹10। ये वही ₹10 हैं जो इसको मिले हैं, ये वैट। मतलब मैन्युफैक्चरर इसको बेचेगा तो 100 रुपीज़ तो अपना सेल प्राइस का लेगा, प्लस 10 रुपीज़ और, यानी 100 प्लस 100 10 रुपीज़ डीलर वन से लेगा, पूरा चार्ज करेगा 100 प्लस 10, दैट मीन्स 110। डीलर वन क्या करेगा, इसको अपने लिस्ट में शामिल करेगा ₹100 एज इसका कॉस्ट प्राइस है, और ₹10 एज ए इनपुट टैक्स, यानी डीलर वन ने पे किया है 100 प्लस 10, दैट इज़ इनपुट टैक्स। जब डीलर वन ने डीलर टू को सेल किया अल्टिल अंडर वैट, तो उसने 150 में सेल किया, तो इसने 150 में तो इसका सेल किया, पूरा सेलिंग प्राइस है, बट इसने टैक्स भी कुछ इससे चार्ज किया डीलर टू से, तो वो जो टैक्स चार्ज किया उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब हुआ यहाँ पर 150, क्योंकि इसने 150 में सेल किया है, 150 का 10%, दैट मीन्स ₹15, ₹15 इसने टैक्स चार्ज किया है, यानी आउटपुट टैक्स। तो अगर हम इसकी बात करेंगे वैट की, तो उसके लिए वैट हो गया आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स, दैट मीन्स 15 माइनस 10 इज इक्वल टू ₹5। 5 रुपये की टैक्स लाइबिलिटी आती है इसके लिए, डीलर वन के लिए। फॉर द सेम डीलर टू के लिए अगर हम बात करेंगे, डीलर टू ने क्या किया, डीलर टू ने 150 में ख़रीदा है, 250 में इसको सेल किया है। अब बात करते हैं इसने जब ख़रीदा होगा 150 में, तो इसका इनपुट टैक्स क्या हुआ। इनपुट टैक्स हो गया इसका इनपुट टैक्स होता है जितना डीलर वन के लिए आउटपुट टैक्स है, यानी डीलर वन ने जितना इसे टैक्स चार्ज किया, डेट मीन सीधे सीधे हम देख सकते हैं 15 रुपये इसका आउटपुट टैक्स है, तो वही होगा 15, ठीक, इनपुट टैक्स हो गया। इसने जब सामान खरीदा होगा तो इसने इनपुट टैक्स दिया होगा। अब इसने जब इसको बेचा है सेलिंग में, आउटपुट टैक्स का कितना होता है देखते हैं। आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू हो गया, यानी 250 में इसने सेल किया, 250 का 10%, दैट मीन्स ₹25। तो वैट हो गया हमारा आउटपुट माइनस इनपुट, दैट मीन्स 25 माइनस 15, दैट मीन्स ₹10। ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है, फर्स्ट मेथड है सीधे सीधे वैट निकालने का आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स से। अभी दूसरा मेथड हम सीखने जा रहे हैं, इसमें डायरेक्ट मेथड। तो ये तो डीलर टू का हो गया। डीलर टू ने जब होलसेलर को बेचा, तो अभी हम डीलर वन के लिए एक बार और डिस्कस करने जा रहे हैं। डीलर वन का कॉस्ट प्राइस था ₹100, सेलिंग प्राइस था ₹150। कॉस्ट प्राइस मालूम, सेलिंग प्राइस मालूम, वैट हमने निकाल के दिखाया था इनपुट माइनस आउटपुट तरीके से। एक दूसरा तरीका होता है वैल्यू एडेड टैक्स का, यानी वैट निकालने का। वैट इज इक्वल टू होता है वैल्यू में एडिशन कितना किया, इसने वैल्यू को 100 से 150 किया, 50 रुपये, 50 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, वैल्यू में ऐड कर दिया। तो 50 में 50 इज़ द वैल्यू एडेड, इनटू आर है 10% अपॉन 100, सिंप्लीफाई करते हैं ₹5, डायरेक्ट मेथड, ठीक। 5 रुपये देखिए यहाँ भी आया था 5 रुपये, और यहाँ भी आया 5 रुपये डीलर वन के लिए। अब यही काम हम करेंगे डीलर टू के लिए। डीलर टू के लिए अगर हम वैट निकालते हैं, तो इसने वैल्यू में एडिशन कितना किया था, 150 से 250 किया, दैट मीन्स 100 रुपीज़ का एडिशन किया। 100 का 10% अगर हम निकालें सीधे सीधे, तो हमारे पास आता है ₹10, ठीक, ये 10 और ये 10 सेम बिल्कुल। अब बात करेंगे हम होलसेलर की। होलसेलर हमारे लिए आता है, होलसेलर ने खरीदा है, परचेस किया है, कॉस्ट प्राइस है होलसेलर के लिए जितना डीलर टू का सेलिंग प्राइस था, 250, राइट। सपोज दैट होलसेलर ने किसी रिटेलर को सेल किया है 375 में, अज्यूम कर लेते हैं सेलिंग प्राइस का 375, तो रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 375,
अच्छा एक बात और याद रखेंगे हमेशा, इस पूरे प्रोसेस में, वैट के प्रोसेस में, ये जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, ये सब चलता रहता है। वैट का ट्रीटमेंट यानी टैक्स का ट्रीटमेंट पूरा हम अलग से करते हैं, सेपरेटली करते हैं, एक साथ नहीं करते हैं, उसमें जुड़ते नहीं हैं, अलग से कर रहे हैं। जैसे देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ है, सेलिंग प्राइस यहाँ है, वैट अलग से निकाला। तो अब इसके लिए होलसेलर के लिए भी यही करने जा रहे हैं, इसके लिए इसमें वैल्यू, इसमें इसका इनपुट टैक्स निकालने जा रहे हैं। इनपुट टैक्स हो गया 250 का 10% अगर हम निकालें, वही इनपुट टैक्स होता है। इनपुट टैक्स का फॉर्मूला भी अगर बताएं चाहें, कॉस्ट प्राइस इंटू सीपी इंटू आर अपॉन 100, ये हो गया इनपुट टैक्स। सीपी है 250, आर है हमारे पास 10%, 0000 ₹25। या सीधे दूसरे वर्ड्स में गए, होलसेलर ने इससे ख़रीदा था, डीलर टू से, डीलर टू ने को कितना टैक्स दिया होलसेलर ने, यानी टैक्स पेड बाई होलसेलर टू डीलर टू, वो होता है डीलर टू के लिए आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स फॉर डीलर टू, ये जो आउटपुट टैक्स डीलर टू को मिला है किसने दिया है, इसको होलसेलर ने दिया है। कितना दिया है, 25 दिया। ऑलरेडी यहाँ पे हमने निकाला, सेम वही 25 आया। हम चाहे यहाँ निकालें या सीधे सीधे यहाँ पे इसका जो आउटपुट टैक्स है उसको हम इनपुट मान लें इसके लिए। अब इसका आउटपुट टैक्स निकालने जा रहे हैं, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स हो गया हमारे लिए 375 में सेल किया है इसका 10%, 37.5 रुपीज़। अब ये जो आउटपुट है ये इसके लिए क्या हो गया, रिटेलर ने सेल किया है कंज्यूमर को, सपोज दैट सेलिंग प्राइस इसका रखा इसने 500, ठीक। तो इसका जो इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स है वो इसका आउटपुट टैक्स बराबर होता है, तो इनपुट टैक्स हो गया 37.5। इसका आउटपुट टैक्स निकालने जा रहे हैं, आउटपुट टैक्स हो गया इसका 500 में सेल किया था, 500 में ही तो सेल किया, 500 इंटू 10% अपॉन 100, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, ₹50, राइट। अच्छा अब कंज्यूमर के पास क्या आता है, कंज्यूमर ने कॉस्ट प्राइस कंज्यूमर का हो गया 500 प्लस टैक्स, क्योंकि कंज्यूमर किसी को आगे सेल नहीं करता, खुद के लिए यूज़ करता है, इसलिए आगे इसमें सेल प्राइस नहीं होता है। तो इसका टैक्स जो हुआ वो कंज्यूमर ने इसको दिया ₹50, कंज्यूमर ने इसको कितना दिया प्लस 50, यानी टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू 500 प्लस 50, दैट मीन्स 550, डन। अब हम बात करेंगे इसके टैक्स की। तो डीलर टू का तो वैट निकाल लिया था, अब हम होलसेलर रिटेलर का आप वैट निकालने जा रहे हैं, देखते हैं। इसका सिंपल तरीका वही, दो तरीके से निकाल सकते हैं इसको, हम वैट निकालना है अगर हमें, वैट इज इक्वल टू हो गया इनपुट माइनस आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स इसका है आउटपुट माइनस इनपुट 37.5 माइनस 25, राइट। ये तो आ गया वैट इसका। अब इसी तरह इसके निकालेंगे रिटेलर के लिए वैट, वैट इसका आउटपुट टैक्स है, आउटपुट माइनस इनपुट से निकाल लेते हैं, आउटपुट टैक्स है 50, इनपुट टैक्स है 37.5, वैट लाइबिलिटी फॉर रिटेलर इज 12.5 रुपीज़, यानी 12.50 रुपये, वैट लाइबिलिटी फॉर होलसेलर 12.50 रुपये अगेन, ठीक। और रिटेलर के लिए टोटल टैक्स लाइव, टोटल रिटेलर को कितना पेमेंट करना पड़ा, 500 प्लस 50 रुपी एज ए आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स हम कह सकते हैं, रिटेलर के लिए आउटपुट और कंज्यूमर के लिए इनपुट टैक्स। तो अब टोटल हम देखते हैं जरा, हमें टोटल वैट गवर्नमेंट को कितना गया, टोटल वैट गवर्नमेंट को कितना जाता है, टोटल वैट देखने जा रहे हैं। टोटल वैट, टोटल वैट कैसे कैसे गया है, सबसे पहले हमारे पास ये आया था, टोटल वैट था हमारे मैन्युफैक्चरर के लिए 10 फॉर मैन्युफैक्चरर ₹10 प्लस, डीलर वन के लिए था ₹5 प्लस, डीलर टू के लिए था ₹10 प्लस, होलसेलर के लिए हुआ 12.5, रिटेलर के लिए हुआ 12.5, दैट इज ओके, टोटल हुआ 50। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ₹50 टैक्स कितने लोगों ने दिया है, ये मैन्युफैक्चरर ने दिया, ये डीलर वन ने दिया, ये डीलर टू ने दिया,
ये होलसेलर ने दिया और ये रिटेलर ने दिया, इतने लोगों ने मिल करके 50 रुपये दिया है अलग अलग स्टेप्स पे, और ये 50 रुपये फाइनली किसने पेमेंट किया है, ये फाइनली पेमेंट किया है कंज्यूमर ने, यही 50 रुपये जो कंज्यूमर ने यहाँ 50 रुपये पेमेंट किया है वो टुकड़ों में गया है। सबसे पहले रिटेलर ने 12 रुपये 50 पैसे उसमें से दिया है, होलसेलर ने इतना दिया है, उसके पहले डीलर टू ने दिया, डीलर वन ने दिया और मैन्युफैक्चरर ने दिया, यानी पूरी पूरी चेन में से थोड़ा थोड़ा पैसा गवर्नमेंट ने लिया है ताकि टैक्स का इवेजन रोक सके गवर्नमेंट। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक वैट।